asalaamu alaikum students. so today we are going to study the ninth chapter of your textbook. and the chapter is where the mind is without fear. so basically this is a poem which has been written by rabindranath tagore. and we all know that he was a very famous poet. and he was born in kolkata in the year 1861. and he was awarded with nobel prize in literature in the year 1900. सो एज फार एज द पोइम इज कंसर्न ये पहले ओरिजिनली लिखी गई थी बंगाली लैंग्वेज में पॉसिबली इन दर नाइनटीन हंड्रेड अंडर द टाइटल प्रार्थना प्रार्थना का मतलब होता है प्रेयर तो उसके बाद फिर इसको ट्रांसलेट किया गया इंटू इंग्लिश अब ये 1900 में लिखी गई थी पॉइम तो सीधी सी बात है आज़ादी से पहले उसके बाद फोर्टी सेवन ईयर्स के बाद जो है इंडिया आज़ाद हुआ था तो इस पॉइंट में बेसिकली रबींद्र टैगोर की कुछ डिज़ायर्स है अपनी कंट्री के लिए एज वी ऑल नो कि ब्रिटिशर्स का मतलब कब्जा था इंडिया पे ब्रिटिशर्स की हुकूमत थी तो उस वक्त रबींद्र टैगोर की कुछ डिज़ायर्स थी वो चाहता था कि मेरी कंट्री में ये सब होना चाहिए मतलब इसमें हम देख सकते हैं कि वो एक मतलब आज़ाद एक कंट्री का एक तस्वुर करते हैं ही सेज कि एक ऐसी कंट्री होनी चाहिए जहाँ पे लोगों को पूरी तरह से आज़ादी मिले मतलब टोटल फ्रीडम मिले एक ऐसी कंट्री जहाँ पे लोग मतलब फेयरलेसली घूम सकें जहाँ पे लोगों के दिमाग में कोई डर ना हो जहाँ पे लोगों के दिलों में कोई डर ना हो और जहाँ पे लोगों को इज्जत दी जाए चाहे वो मतलब किसी भी रिलीजन से बिलोंग करता हो किसी भी कास्ट का हो मतलब कोई भी हो हर एक इंसान को मतलब इज्जत देनी चाहिए इज्जत मिलनी चाहिए तो ये कहता है कि एक ऐसी कंट्री होनी चाहिए जहाँ पे नॉलेज या जो एजुकेशन है वो फ्री हो जहाँ पे पूरी जो कंट्री है वो एक साथ रहे मिल के रहे इस्पेक्टिव ऑफ कलर कास्ट एंड क्रीड इरेस्पेक्टिव ऑफ कलर कास्ट एंड क्रीड जो लोग हैं वो एक साथ रहे यूनाइटेड रहे तो ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो पॉइंट अपनी कंट्री के लिए चाहता है और वो ये चाहता है कि अगर मतलब कोई है जो अपनी व्यूज या अपने आइडियाज़ आगे रखना चाहता है तो उसको पूरी आज़ादी मिलनी चाहिए उसके आइडियाज़ को दबाना नहीं चाहिए मतलब ऐसी एक कंट्री होनी चाहिए जहाँ पे लोगों के जो ख्यालात है उनको उभरने देना चाहिए ना कि दबाना चाहिए तो एक ऐसी कंट्री का एक ड्रीम देखता है एक ऐसी कंट्री की डिज़ायर करता है ये तो ये कहता है कि इस चीज़ के लिए जिस कंट्री का ये एक मतलब डिज़ायर कर रहा है जिस कंट्री की ये चाह रख रहा है एक ऐसी कंट्री तभी बन सकती है जब यहाँ के लोग जागरूक होंगे जब यहाँ के लोगों को समझ आएगा कि अगर हमारे ऊपर सप्रेशन हो रहा है तो हम उस सप्रेशन के खिलाफ आवाज़ उठाएं मतलब उसके खिलाफ हम कहें उसके खिलाफ हम कोई एक्शन लें तब जाके हम एक ऐसी कंट्री बना सकते हैं जहाँ पे ये सब चीज़ें अवेलेबल होंगी जहाँ पे हमें टोटल फ्रीडम मिलेगी जहाँ पे हम अपने आइडियाज़ को आगे रख सकते हैं जहाँ पे हमारी मतलब जो इज्जत की जाए जहाँ पे हमें मतलब फेयरलेसली हमारे दिमाग में कोई डर ना हो हमारे दिलों में कोई डर ना हो तब जाके हमें ये कंट्री हासिल होगी जब यहाँ के लोग जागरूक होंगे